वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हो आप सब, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो भाई हमारे सामने खड़ी है आज किया सेल्टोस डीजल मैनुअल टॉप मॉडल है। भाई ने टॉप मॉडल खरीदा, भाई से रिव्यू करते, भाई से जानते कैसे। भाई को अभी एक हफ्ता हुआ है, एक हफ्ते से थोड़ा 10 दिन हो गए, ये लगा लो 10 दिन पहले ही ली थी गाड़ी। तो भाई से बात करते, भाई आ जाओ, भाई की गाड़ी है, भाई से बात करते, भाई आ जाओ, दोनों भाई आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, दोनों भाई चलाते। भाई कैसे हो भाई? बढ़िया, आप बताओ कैसे? और भाई कैसे हो? बढ़िया। तो भाई कब ली थी बताओ? 17-18 तारीख, मतलब 10 दिन हो गए ये लगा लो, 10 दिन हो गए। तो भाई नंबर वंबर आ चुका, अभी नंबर लिया भाई ने, और रजिस्ट्रेशन वाले गुड़गांव का ही है भाई, गुड़गांव के रहने वाले बेसिकली, जैसे कापासेड़ा के रहने वाले हूं, दिल्ली का। अच्छा, नंबर HR का शॉप था, तो HR अच्छा, HR रोकते नहीं है ना कोई, इसलिए भाई HR 26 थोड़ा सही लगता है। हां, DL 10 आते हैं हमारे, वो DL 10 थोड़ा हल्का है, अच्छा थोड़ा भरा हुआ नंबर लगता है। अच्छा, तो HR का मतलब थोड़ा रोब भी है कि भाई HR देख के रहो। हां, गुड़गांव में भाई ने गाड़ी लिया अभी 10 दिन पहले, पहचान भी HR नंबर की, ये बात हरियाणवी भाई अलग पहचान है। तो भाई 10 दिन पहले लिए, 10 दिन तक अब तक गाड़ी चलाई है भाई, डेली चलाते हो? हाँ भाई डेली चलती है, डेली चलती है, डेली 101 किलोमीटर की तो है रनिंग। अच्छा, भाई ने खुद के लिए पर्सनल लिए भाई, अपने लिए? हाँ भाई, कॉलेज जाना था, कॉलेज जाना है, जाने के लिए लिए। और भी गाड़ी है भाई आपके पास? ना भाई यही है। हाँ भाई। पापा के लिए, फैमिली के कोई? मेरी यही है, मैं यही। अच्छा, आपकी ये और भी है कार वैसे? अपनी अपनी से, यही बताता हूँ। अच्छा, यही है आपकी, ठीक है भाई। तो भाई कितने की पड़ी मेन प्राइस? एसेसरीज लेनी पड़ी मेरे को, क्योंकि जल्दी चाहिए थी गाड़ी। अच्छा, वैसे टाइम लग रहा था, एसेसरीज ली थोड़ा सा, और उसके बाद एक्सटेंडेड ली, ये पहुंच गई थी मेरे 19-20 तक पहुंच गई थी। 20 लगा लो मैं, हाँ अप्रोक्स 1970 20 ही लगा लो अप्रोक्स, 20 लाख की पड़ गई, ठीक है। तो भाई 20 लाख में यही क्यों ली, और भी ले सकते, 22 की हैरियर आ जाती, क्रेटा थी मन में, थी क्रेटा। अच्छा, रेटिंग बहुत थी, ऐसे किसी ने कहा सेल्टोस देखा है। अच्छा, तो सेल्टोस देखने गए। हाँ, काले रंग में पता लगा के खड़ी, पर ऐसी सीजन लेनी थी, फिर जल्दी तो चाहिए थी। हाँ, चल रही थी, कमी नहीं दिखी तो कहा ये ले लो, इंजन सेम है, सब कुछ है, इसमें पावर ज्यादा है क्रेटा के। पावर अच्छा, कितने BHP का इंजन है इसमें? सॉरी, कितने का इंजन है इसमें? इतने तो भाई मुझे भी नहीं पता। अच्छा, पता नहीं है वैसे, इसमें 1500cc इंजन आता है। 1500 भाई, 1.5cc इंजन है, डीजल इंजन है, मैनुअल ट्रांसमिशन है। हाँ, ऑटोमेटिक क्यों नहीं भाई? पसंद थोड़ी मैनुअल थी। अच्छा, चल, मन सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो भाई और फिर ये खड़ी भी मिल गई मेन बात। अच्छा, मतलब जल्दी मिली गाड़ी? कितने दिन में दे दी थी भाई? दो दिन में। भाई ये बोलते हैं इसी पे वेटिंग है, एक दो महीने, तीन महीने, 6-7 महीने वेटिंग थी। हाँ, एसेसरीज तो 20 लाख की पड़ी भाई, 1970-19। हाँ, मतलब 20 की पड़ी। तो भाई एक्सपीरियंस कैसा रहा डिलीवरी वगैरह का वहाँ पर? भाई मेरे का तो मतलब इससे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दिया, मेरे को उम्मीद नहीं थी किया। अच्छा, पर जो किया ने दे दिया वो अलग ही। अच्छा, तो भाई ने अभी 1000 किलोमीटर चला चुकी है भाई, जो फर्स्ट सर्विस, जो मतलब चेकअप वगैरह होता है, आज ही करवा के आए? अब शाम को कराऊंगा। अच्छा, शाम को आज ही हुआ है 1013 जाने हो जाएगी पूरी। अच्छा, 1200-1300 हो जाएगी। सही है भाई। तो भाई अब तक चलाने में, ड्राइविंग में कैसे मजे आ रहे हैं भाई? खूब मजे आ रहे हैं, खूब मजे आ रहे हैं। भाई ने भी चलाई होगी भाई, कैसे? भाई बहुत बढ़िया, अभी तक जाम में। हमने पहली ऑन करी हुई है ये डीजल में, अब ये टॉप वेरिएंट लिया हमने इसका, मतलब पावर अल्टीमेट है। अच्छा, पावर चाहिए डीजल में, पेट्रोल कभी चला के नहीं देखी, पर डीजल में होड़ नहीं है इस गाड़ी की भाई, ब्रेकिंग में ले लो कैसे भी ले लो। अच्छा, चारों में डिस्क है भाई, चारों में डिस्क पावर, चारों में डिस्क है। अच्छा, तो भाई एवरेज वगैरह क्या सीन? क्या एवरेज? बहुत बढ़िया भाई, एवरेज सही से चलाओ ना। हाँ, तो 20-22 के एवरेज का ही, 20-22 के एवरेज का डीजल में। हाँ, डीजल एक बार लॉन्ग रन में ले जाओ, किसी गाड़ी नहीं चलती, 1000+ चला के दिखा देंगे। अच्छा जी, बिल्कुल, एक फुल टंकी में 1000, एक टैंक में इसकी रेंज आती है 5100 या 5200 रुपए में टैंक भरता है, बिल्कुल खाली रिजर्व होने के बाद। अच्छा, ये गाड़ी 830 किलोमीटर, 850 रेंज दिखाती है। ये तो हम लोगों ने इतनी चला दी कि एक टंकी में, पिछला टंकी चलाई थी कितनी, आधी टंकी में हमारी चली थी, जबकि आधी थोड़ी ज्यादा थी, 450 किलोमीटर चला दी थी। उसके बाद हमने इसमें 3000 का डीजल करा लिया था कि बस भाई आधी टंकी फुल करा। अच्छा, अच्छा, उस हिसाब से, नहीं तो अगर हम इसे चलाते ना शोरूम से निकाल, पहले भी प्लस चला देते, 2-3 बाई 200 भी कर ली, टेस्ट कर लिए सारे इसके भाई, बढ़िया, मतलब खुल गई गाड़ी, भगने भगने मजा आ रहे हैं। तो भाई अब ये बात करते हैं भाई कि इससे अलग और कौन सी गाड़ी पसंद थी भाई आपको, वैसे 20 लाख की रेंज में? क्रेटा, व्हाइट कलर। तो फिर तक पहुंच गया था भाई वो लेने। अच्छा, बस मेरी गाड़ी फंसी ना, और जिस दिन ये ली ना, उसके जिस दिन इसको बुक कर दिया। अच्छा, मैंने कहे 2 दिन में दे देंगे। हाँ, ऐसे ले ली। हाँ, उसके बाद पता लगा कि गाड़ी आ गई। अच्छा, जिस दिन इसकी डिलीवरी थी उस दिन गाड़ी गई, 2 दिन और कर लेता तो क्रेटा मिल जाती। अच्छा, वैसे भाई की पसंद है क्रेटा, पर वो वाली बात है, ले ली किया भाई, भाई है वो वरना लेके आया था, सेम इंजन था।
फिर भाई उसने थोड़ी सनरूफ बढ़ी थी, वो सनरूफ कहीं ना कहीं अट्रैक्ट तो कर ही देती है। हाँ ये बात तो भी है। इस कारण क्रेटा मन में थी, पर लेकिन फिर इस ये देखी तो ये भी पसंद आ गई, इसमें कोई कमी नहीं, इंजन तो सेम ही है। इंजन अच्छा। सेम ही है भाई, पर बस यही है ये नई कंपनी आई है हुंडई पहले चलती आ रही हाँ, है भाई ये स्पोर्टी लुक है, स्पोर्टी लुक लाइट बहुत बढ़िया भाई, इसकी टॉप मॉडल पे लो तो क्रेटा की इतनी बढ़िया लुक नहीं देती जो। हाँ ये तो भाई, तो भाई ये और कुछ बाहर से करवाया अभी तक कुछ मॉडिफिकेशन में कुछ? हाँ भाई, हाँ भाई करा दी। सिरेमिक कितने की भाई? कितने सिरेमिक अब आपके ऊपर है। हाँ। 25-30 तक की पड़ती है। 25-30 तक की। हाँ। ठीक है भाई, देखो साइनिंग वगैरह भाई बस मस्त लग रही है जो बात है भाई। ब्लैक कलर की देखो एक भाई वैसा करना बहुत ही मुश्किल है भाई, मैं कपड़ा मारता हूं कॉलेज जाने से सुबह पहले कपड़ा मारता हूं फिर आता भाई। ये तो है भाई, हाईवे की रनिंग है कॉलेज जाते हैं, नहीं तो अगर हो कहीं लोकल रनिंग में तो भाई बहुत गंदी होती है। हां भाई मैंने क्रेटा का रिव्यू करा था भाई ने, भाई की वैसे रनिंग थी मतलब लोकल रोड्स पे तो भाई बहुत गंदी हो रही। ब्लैक कलर भाई ये बात है, अगर मेंटेन रखेगा जो कर सकता है वही लो भाई, भाई तो ये कहेंगे भाई। ये बताओ कितनी तगड़ी साइन मार रही है, बहुत तगड़ी लग रही है भाई, तो अभी गंदी हो रखी है। हाँ थोड़ी बहुत गंदी हो रखी है, ये देखो ये डिफरेंस आ रहा है, असली तो ऐसी साइन मारती है। देखो भाई धूप में सब कुछ दिख रहा है भाई, ये डिफरेंस है असली। अच्छा भाई और कोई नेगेटिव पॉइंट? कोई भाई नेगेटिव अभी तक तो चलाई नहीं अभी तक। हाँ ये पता नहीं, पर एक ये है कि सनरूफ हाँ भाई, ये भाई फिर ये लुक्स में आगे ले जाती है क्रेटा से, क्रेटा थोड़ी क्लासिक टाइप लुक है, ये थोड़ी स्पोर्टी टाइप स्पोर्टी लॉन्डो की गाड़ी है, वो थोड़ी अंकल की गाड़ी है भाई। ये तो है, पर भाई की पसंद की क्रेटा थी वैसे भाई। ओपन करते हैं भाई भी अंदर एंबिएंट का काम कर रहे हैं। अच्छा भाई आ जाओ भीतर ही बैठते, बाहर है थोड़ी आवाज दिखेगी आगे तो अंधेरे। हाँ भाई यहाँ गाड़ी की वगैरह रखने का है भाई, ऑन करते हैं पहले गाड़ी को। भाई कुछ इस तरह दिखता है आगे से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो नई वाली है। तो भाई अब ये कह रहे हैं कि जो नई क्रेटा आने वाली है कुछ दिन में भाई, नई सेल्टोस भी, सॉरी हाँ सेल्टोस आने वाली है, तो भाई अब फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई वो उसी को ले लेते या कुछ दिन रुक जाते भाई? वो क्या कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं ना, मजबूरी हो गई थी कॉलेज आना, मेरे रोज 40 किलोमीटर पड़ते, कैसे आता मैं। हाँ ये तो है भाई। हेलो मतलब कुछ चेंज करवाना चाहते हो अंदर स्पीकर वगैरह या कोई म्यूजिक सिस्टम? बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, अगर ज्यादा ही मतलब मैं बाहर लोगों को सुनाने तो बात है, अगर अंदर सुनना है ना खुद तो कोई जरूरत नहीं है भाई। इसमें यहाँ पियानो ब्लैक फिनिश आती है, और भाई इसमें एक ये भी है, अब तो बहुत गाड़ियों में दिखने को मिलता है व्यू का, एक सेकंड रुकना, ये तो बैक गियर लगते ही पता चल जाएगा वैसा तो भाई। ये वैसे ये करो हैंड ब्रेक डाउन करो, गियर नहीं आई चलती गाड़ी में भी आप देख सकते हो। हाँ ये तो भाई यही चीज दिखाना भाई, यहाँ पर भी आ चुके हैं ये बटन, ये वाला और ये सीट वेंटिलेटेड सीट भाई, ये तो है भाई वेंटिलेटेड सीट्स, मजे आते होंगे। हाँ भाई क्रेटा में आते हैं वेंटिलेटेड, पर ये इंटीरियर नहीं आता जो इसमें इंटीरियर दे रहा है, इंटीरियर है ना क्रेटा में नहीं आता भाई। आप देख लो गंदी से गंदी चलाई है, 16.2 की एवरेज दे रही है 140-150 की स्पीड पे भी। अच्छा भाई एसी वगैरह कूलिंग वगैरह कुछ प्रॉब्लम भाई का? जब आज सुबह मैं चला के लेके आया हूँ, मैंने पेली भी है बीच में ये मेरी 18 की माइलेज दे रही है, जबकि मैंने बीच में एक बार 180 भी करी थी आज के टाइम। अच्छा तब भी इसने 18 की माइलेज दी है। देख भाई अब इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हो अभी? भाई अभी नहीं, अभी तो मैंने एक वो कराया चलती गाड़ी में वीडियो चल जाती है मेरी। अच्छा, हाँ। ये कि भाई घर वालों को ना थोड़ा ज्यादा फिक्र है, तो ये डैश कैम लगवा दिया घर वालों ने कि हाईवे ड्राइव है। हाँ हाँ। और बस अभी तो ये कराया, लाइटिंग कराई है, पीछे से व्हाइट लाइट करा दी जो रिवर्स वाली होती है, और अभी छोटे छोटे और पेडल, ये पेडल शिफ्ट है, सॉरी ये ब्रेक वगैरह के जो पेडल है। अच्छा तो भाई स्कूटी पेडल करवाए हैं ये, ताकि रिप्ट ना पैर भाई, कुछ जरूरत है नहीं भाई, वेंटिलेटेड बिचारियों का सार सब कुछ तो है, इसमें कराने जरूरत नहीं है। ये तो इसके मीटर ये भी पूरा वो हाल है, चेंज हो जाता है हर तरीके का सुख है इसमें, टीपीएमएस है यार, तो कुछ जरूरत लग नहीं, मतलब पूरा टॉप मतलब जो आपने चाहता वो सब कुछ मिल चुका है। हाँ भाई मेरे को सब कुछ मिल चुका है, मेरे को कंपनी ने दे दिया मेन फीचर, तो मेरे को कॉस्मेटिक अपडेट करने है तो मैंने करा लिए। अच्छा प्यूरीफायर है भाई गाड़ी में यहीं पे, ये दिखता है वैसे यहीं से कंट्रोल होता है एयर प्यूरीफायर, ये रहा स्मार्ट प्यूरीफायर, मतलब बहुत ज्यादा वो आ गया इसमें गाड़ी के अंदर ही, परफ्यूम है ये रहा परफ्यूम का, वो गाड़ी का परफ्यूम यहीं से उठाता है।
कंपनी ने दे रखा है इसी के अंदर भाई। अब तो टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, अब तो कुछ भी आ सकता है। वर्थ है, वर्थ है पैसे फूकने का। तो भाई आप क्या कहना चाहो कुछ गाड़ी के? गाड़ी बहुत बढ़िया है, बजट फ्रेंडली है, एवरेज भी बहुत बढ़िया है। और गाड़ियों से देखो तो हम हैरियर ऑन करते हैं, इनोवा ऑडी भाई हिसाब से बढ़िया गाड़ी है, एवरेज बहुत बढ़िया लगी हमें इसकी। हाईवे रनिंग पे 20 की दे देती है। अब भाई अब भी क्या क्रेटा फेवरेट है या क्या सेल्टोस? भाई अब तो भाई दोनों टक्कर देती है, कहीं वो आ गया कहीं ये लुक्स में आ जाती है, वो फीचर में एक और फर्क तो देती है। वैसे भाई इसमें देखे तो फीचर्स वगैरह सब कुछ भाई है, तो दोनों बहने बाप तो एक ही है। हाँ, ये बात कंपनी सेम है, सब कुछ सेम है। वो तो अब तुम्हारी मर्जी है, तुम छोटी वाली ब्याह के लाओगे बड़े वाली। अच्छा भाई, भाई की बात अलग है। तो भाई और कुछ नेगेटिव पॉइंट अब तक तो कुछ वो नहीं है? नेगेटिव पॉइंट भाई बस एक है, इसकी वही बॉडी ठीक नहीं है, हल्की है, बिल्ड क्वालिटी बढ़िया नहीं है, इसकी बताऊंगा मतलब अपने प्राइस के हिसाब से ठीक है, पर लेकिन वो नहीं कहता क्योंकि बहुत अच्छी बिल्ड है। हाँ भाई, भाई अंदर से लुक वगैरह भाई बहुत बढ़िया, भाई की चॉइस थी यही गाड़ी लेनी तो भाई ने ले ली है। ड्रीम कार बोल दो या कुछ बोल दो, पर ड्रीम कार तो भाई की क्रेटा थी बट भाई मिली नहीं। भाई ये तो है सब गाड़ियों में ऐसा होता है कि भाई मिल नहीं पाती टाइम की वजह से। मिल गई थी पर वही बात है ना, जिस दिन मिली जिस दिन ये भाई वो वाली बात, दो महीने वेट करा, इसको देख लिया, ये सब कुछ डन हो गया, सब कुछ कर दिया और गाड़ी आ गई। भाई वो वाली बात है, सब कुछ जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्या पता आपके लिए यही बनी हो। हाँ भाई, भाई यही बात है भाई, सनरूफ ये मतलब ज्यादा ना हो, छोटे है ये पंगा है भाई, बस ये पंगा। और भाई मैं ये भी नहीं खोलता, अब आपने कई तो खोल दी नहीं तो ये बंद ही रहती है, गर्मी ऐसी है इंडिया के वेदर के हिसाब से नहीं है। वैसे पहना रहा हूँ भाई के पास और गाड़ी, भाई जल्दी मिल गई गाड़ी, वैसे और कोई दिक्कत नहीं है भाई की। और भाई जो वो अलीपुर का ही था, अलीपुर वाले भाई ने जान भाई निकल गई तो जान के भाई ने करा दी, किसी की आई थी ये थोड़े तो उसने कैंसिल वन से थोड़े से करवा करोगे सेटिंग से। अच्छा, जब मिली है, वरना ये भी भाई दो तीन महीने की वेटिंग मिलती जब मिलती भाई। ये तो है भाई, अब न जिसे चेंज मतलब पूरे 10 साल चलाओगे या 1-2 साल चेंज करोगे? भाई 3-4 साल तो चलाएंगे, 4 साल तक चलाएंगे कॉलेज तक, कॉलेज निकालेंगे कि भाई। और इस पहले मेरे हिसाब से डीजल आगे बंद हो जाएगा, डीजल मिलेगी नहीं गाड़ी तो अपनी शायद मुश्किल ही करें इसे। भाई इसमें कोई अलग फीचर जो आपने दूसरी गाड़ी में नहीं देखा होगा जो अब इसमें आ गया हो, कोई नया फीचर आया हो? भाई कई फीचर्स हैं छोटे छोटे, अब कैसे बताएं अब आपको, ऐसे याद वेंटिलेटेड है, वेंटिलेटेड सीट्स है, वेंटिलेटेड सीट्स है, पार्किंग सेंसर्स है, हाँ ये फ्रंट पार्किंग सेंसर्स चालू हो जाते हैं। अब इसको यूज करोगे तो आपका ये भी है, और आपको अगर यहाँ से नहीं देखना तो ऊपर व्यू देखना है तो अभी आपकी गाड़ी ऊपर वाली व्यू दिखा रही है कि आपकी गाड़ी यहाँ तक है। हाँ। इतना डिस्टेंस तब भी रह गया जो आप लोगों को बाहर उतर के देखना पड़ता था। अच्छा। ये तो रिवर्स हो गया कैमरा। हाँ। नॉर्मल, अब आपको ऊपर से देखना है तो आप ऊपर से भी देख सकते हो इसे। अच्छा, ये चीज है। हाँ, रिवर्स करते टाइम ब्राइटनेस आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपको कितनी चाहिए, कम चाहिए, ज्यादा चाहिए। हाँ, कलर कुलर सब कुछ आपकी मर्जी है भाई। डिस्प्ले वगैरह ऐसी दिखती है कुछ भाई, गाड़ी अंदर से मैं कह रहा हूँ लाजवाब लग रही है भाई। वैसे भाई क्रेटा का वैसे लगता तो बढ़िया, बट भाई क्या आगे तो अरुण भाई की गाड़ी देखी होगी भाई, क्रिकिया सेल्टोस, तो उससे तो भाई जैनमन बना रखी है भाई ने। और भाई टॉप मॉडल लिया भाई, ऑटोमेटिक क्यों ना लिया भाई, ऑटोमेटिक आराम से चला थे भाई, जल्दी चाहिए थी और फिर वो मैनुअल में प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे पास पहले से इको स्पोर्ट थी पेट्रोल, माइलेज देखी पहले तो कितनी अच्छी माइलेज, तब गया तो उनने कही, और फिर जब चला के देखी टेस्ट ड्राइव, मैंने पेट्रोल की टेस्ट ड्राइव, मैं इसकी डीजल की टेस्ट ड्राइव भी नहीं ली। गाड़ी इतनी जल्दी में चाहिए थी मेरे को क्योंकि मजबूरी फंसी थी, प्रॉब्लम होती थी कॉलेज आने में, तो वो कह रही ये है, तो मैंने कहा भैया यही करवा दो आप। वो भी किसी की आ रही थी, वो आते आते उसने करवाई है। भाई एक बार चला के देखते गाड़ी को भाई की, भाई वो भाई वो इलेक्ट्रॉनिक साइड से इलेक्ट्रिक है। हाँ, वो हैंडल नीचे कर रखा है, उसके आगे से हो गया, अगर आगे करते आगे इसी को आगे करते भाई चला के देखते भाई गाड़ी को। पावर वावर तो बढ़िया भाई, जो चाहिए था वो मिल गया। हाँ जी भाई, भाई गाड़ी पावर भगने भगने में सही है भाई। वैसे हाईवे भगा के देखेंगे, और तो भाई यहाँ रोड ऐसे ही है, पर इस रोड पे देखते भगा के अगर सही वक्त है तो। भाई भगाने भगाने में सही है गाड़ी की, तगड़ी गाड़ी भाई। अब तक कितने रुपए लगा चुके हो बाहर से मॉडिफिकेशन में? 60,000। अच्छा, पीछे आ जाओ भाई। भाई जो गाड़ी की जो कंपनी से लाइट आती है, लाइट वगैरह चला जाओ बाहर, मेरे को दुनिया कहती है बेकार है पर अच्छा है। अच्छा, आ जाओ भाई।
भाई एक बार लाइट ऑन कर देना पूरी। भाई लाइट वगैरह कुछ प्रॉब्लम है भाई, यार चेंज करवाना चाहते हो या कुछ? नहीं भाई मेरे को कोई वो नहीं लग रही प्रॉब्लम, सही है फोकस वगैरह जो परफेक्ट। भाई बहुत से बोलते हो कि भाई क्या की तो बहुत बेकार लाइट्स वगैरह, आगे वाले की आंख फोड़नी है तो बात अलग है, नहीं तो मेरे हिसाब से रोड के लिए परफेक्ट है। हाँ ये बात, अब इतनी ट्रैवल हुई नहीं, जब होगी तो देखेंगे। हाँ तो रात को जब होता असली जब भी पता चलेगा, जब कहीं ट्रिप वगैरह आप जाएंगे रात को या रात को चलाएंगे ड्राइव, कम ही चलाते सिटी वगैरह में तो लाइट मेरे वाले मॉडल में पॉसिबल भी नहीं है ये चीज। अच्छा ये चेंज करवानी है ना? मेरे वाले में चेंज का पॉसिबल नहीं, मैंने बात करी थी, मैंने बात करी थी, या तो ग्रिल में यहां पे कटवा के आईपीएच प्रोजेक्टर ले, वो मैं चाहता नहीं अपनी गाड़ी लुक खराब। हां लुक खराब भाई, अब कितने चलाने थे परफेक्ट है वैसे मेरे हिसाब से। भाई सिरेमेटिक करवा के भाई की तगड़ी लग रही है जो बात है, स्पोर्ट्स एक वो कहते हैं ना स्पोर्टी लुक आ रही है, बाहर से देखते हैं तो भाई लग, रोड प्रेजेंस भी बढ़िया भाई गाड़ी का। तो भाई क्या सेल्टो देखो सब खरीदते वैसे, बट भाई की ब्लैक कलर में बहुत तगड़ी भाई, मेंटेन रखना पड़ेगा भाई जो बात आपको भाई कर रहा हूं, देख लो अभी भी देख लो। हाँ भाई अब भी चमक रही है भाई गाड़ी तो, भाई देख लुक तगड़ी लग रही है जो बात है भाई। पीछे सर पीछे की लाइट वगैरह कुछ चेंज करवाओगे या कुछ? अभी लिए कार तो मैं भाई से पूछना चाहता था, भाई अठारह बीस लाख के बजट में और भी कार साथ ही है, पर भाई ने लिए किया सेल। वैसे भाई को क्रेटा पसंद थी, पच्चीस लाख की, अपने को उसमें कोई कमी नहीं है, वो सॉलिड गाड़ी है, पर इसमें फीचर्स हैं उसमें वो देख लो, पर भाई वो लोहा है, भाई वो टाटा का है, भाई वो कहते हैं वो सॉलिड गाड़ी है। हाँ सॉलिड गाड़ी भाई जो बात है, पर उसमें जो कम्फर्ट है उसमें कम्फर्ट नहीं है। भाई वो फाइव स्टार शायद फोर स्टार है, फाइव स्टार भाई इसका इतना नहीं पता, पर हमारे लिए तो सारे स्टार यही है। सही है भाई, पर भाई सेफ ही चलाते हैं भाई, कोई ढंग वगैरह करके चलाते नहीं। हाँ भगा ली तो भाई वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और भाई से और मिलते रहेंगे भाई, थैंक यू।